हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल स्टाइलिश टॉप बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मैंने स्मॉल साइज़ का बनाया हुआ है। मीडियम साइज़ का बनाने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहले 93 चैन बनाएंगे। 8, 9, 10 मैंने 93 चैन बना ली है। अब इसको चैन को बिल्कुल सीधे करके मोड़नी नहीं चाहिए, लास्ट की लास्ट चैन से इसको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दिया। तीन चैन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी चैन में आगे बढ़ेंगे। एक पूरे एक एक चैन में, हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरी, ऐसे कंटिन्यू पूरी चैन में बनाएंगे। ये लास्ट स्टिच, ये बन गया डबल नेक का डे। लास्ट स्टिच हम स्लिप नॉट से, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये ऐसे, ये अब चार चैन लेंगे, एक छोड़ के दूसरे पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे एक छोड़ते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, इसको लिप किया ऐसे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इसको यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए ये पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। चार चैन बनाई थी, एक दो तीन, तीसरे में इसको ज्वाइन कर देंगे। तीन चैन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन लेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बिना चैन लेते हुए एक ब्लॉक, एक जाली छोड़ते हुए दूसरे में फिर हमको सेम रिपीट करना है। दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, एक छोड़ते हुए दूसरे में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा सा लूज बनाना है। दो चैन, दो डबल क्रोशिया, यस, ये ऐसा बनता जाएगा। ये पूरे में, ये पूरे राउंड में ये बनाना है। ये एक लास्ट स्टिच, ये ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे लास्ट में। ये एक दो, ये तीसरे नंबर पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दिया।
तीन चैन लेंगे, फिर से ऐसे ही सेम कंटिन्यू फिर से इसको करेंगे, फिर दो चैन लेंगे, एक डबल दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे सेम करेंगे, रिपीट करेंगे ऐसे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर इसे घुमाएंगे इसको, फिर से इसको ऐसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। दो चैन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया, सेम इसमें नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया लेंगे, दो चैन लेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया लेंगे, ऐसा ही पूरा इसको पूरे राउंड में फिर से इसको एक राउंड लेंगे। इसका दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ये दूसरा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे एक, यहाँ पे भी लेंगे एक दो स्लिप स्टिच, फिर तीन तीन चैन लेंगे। अब यहाँ से तीसरी स्टार्ट कर, तीन डबल क्रोशिया लेंगे, ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये तीन चैन, तीन तीन डबल क्रोशिया लेंगे, दो चैन लेंगे, तीन डबल क्रोशिया लेंगे, ऐसे ही सेम बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी तीन डबल क्रोशिया लेंगे, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी ऐसे ही सेम करेंगे, तीन दो चैन, तीन डबल क्रोशिया, ये ऐसे इसको भी राउंड कंप्लीट करेंगे। तीन डबल क्रोशिया के एक दो तीन चार राउंड बनाएंगे, पूरा ऐसा बनाना है। ये दो डबल क्रोशिया के एक दो राउंड बनाए हैं, तीन डबल क्रोशिया के एक दो तीन चार राउंड बनाए हैं, और चार डबल क्रोशिया के एक दो तीन चार पाँच छः राउंड बनाए हैं। तो हमारे टोटल कितने राउंड हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये टोटल बारह राउंड का। और जब आप चौथे राउंड पे आएंगी, ये जो चार डबल क्रोशिया वाला राउंड आएगा में आएगा, तो आपको चार डबल क्रोशिया दो चैन, चार डबल क्रोशिया दो चैन, फिर एक चैन लेते हुए फिर दूसरे में आपको स्टार्ट करना है, चार डबल क्रोशिया दो चैन, चार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन बीच में लेते हुए, ऐसे जो चार डबल क्रोशिया के राउंड में बीच बीच में आपको एक एक चैन लेते हुए आगे बढ़ना है, फिर आपका ये नेक पीस ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसा पूरा बनेगा। ये मेरी लास्ट फोर्थ लाइन, फोर डबल क्रोशिया की लास्ट लाइन है ये। अब इसमें एक चैन लेंगे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, दो चैन लेंगे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चार, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेंगे, अब यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये मेरी लास्ट लाइन कंप्लीट हो गई है इसकी।
ये लास्ट लाइन कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब यहाँ से ये मैंने चेस्ट का साइज 12 इंच का लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लगभग 11.5 इंच है। और फिर यहाँ से अभी 5 चैन लेंगे तो ये 12 इंच पूरा राउंड बन जाएगा, एक 12 इंच का राउंड बनाएंगे पूरा। यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। अब हम इसका चेस्ट बनाएंगे कार्डिगन का, ये 4 mm क्रोशिया से बनाएंगे। 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4 5 चैन लेंगे। ये मैंने मार्कर लगाया हुआ है, आर्म होल बनाना है तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया। अब हमको पूरे राउंड में हाफ डबल क्रोशिया लेके चलना है, हाफ डबल क्रोशिया लेना है, एक एक होल में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये हाफ डबल क्रोशिया 3 फंदे के अंदर से निकलेगा ऐसे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं पूरे राउंड में। ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, ये यहाँ से पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ आना है, फिर 5 चैन लेना है यहाँ पे। ये पूरे राउंड में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक राउंड, एक एक हर एक जगह पे। ये हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे आगे बढ़ते, आगे ऐसे यहाँ तक बढ़ते जाना है यहाँ तक। ये मैंने पूरा हाफ डबल क्रोशिया का पूरा राउंड बना लिया है। अब इसकी लेंथ जितनी चाहिए होगी उतनी लेंथ तक हम यहाँ से यहाँ तक पूरा हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ये आर्म होल है इसका, ये यहाँ मैंने 5 चैन ली थी यहाँ पे, फिर ये पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ से ऐसे ही राउंड बनाते जाएंगे। पूरे राउंड बनेंगे इसमें, जितनी लेंथ चाहिए होगी उतना, जितना लेंथ बनाना है उतनी ही लेंथ चाहिए, मतलब 14 इंच तक का बनेगा पूरा कंप्लीट, यहाँ से नेक से लेके यहाँ से और पूरा नीचे तक पूरा 14 इंच तक की लंबाई रहेगी टॉप की। तो ये मेरा हो गया, तो जितना 14 इंच तक का पूरा लॉन्ग बनाएंगे यहाँ से, फिर ये डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 19 राउंड कंप्लीट कर लिए पूरे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के 19 राउंड पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब 4 चैन लेंगे, लास्ट स्टेज में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको, ज्वाइन कर दिया। अब 4 चैन लेंगे, एक हाफ क्रोशिया स्किप करते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे, एक चैन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया स्किप करते हुए नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे, ये पूरा ऐसे ये कंप्लीट करना है। ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, लास्ट स्टिच से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको। यहाँ से एक चैन लेंगे, फिर यहाँ से लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। तीन चैन लेंगे,
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर कंटिन्यू डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरे राउंड में यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक यहाँ डबल क्रोशिया, इसमें भी डबल क्रोशिया, इसमें ऐसे कंटिन्यू पूरा डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे राउंड में। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है टॉप का। ये स्मॉल साइज का टॉप है, गर्ल्स टॉप है। मीडियम साइज बनाने के लिए हम 130 चैन लेंगे। कंटिन्यू जैसा आपको मैंने बताया है वीडियो में वैसा ही सेम बनाना है, इसको पूरा बनाना है। और चेस्ट का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।